एजुकेशन जरूरी है। अब ये कह के सिलेबस पुराना है या निजाम चेंज नहीं, बिल्कुल इसका बायकॉट नहीं कर देना चाहिए। प्लान बना के सुपरिटेंडेंट और टीचरों को मिलते हैं, उन्हें दावते देते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारे बच्चों को आपने पास करवाना है, उन्हें थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी है, नकल करने देना है ऐसे। और मैंने खुद देखा नकल होते हुए और करवाते हुए टीचरों को बोर्ड के एग्जाम में। क्लास टीचर कहेगा लो जी आपका प्रैक्टिकल है, इतने से पैसे सब जमा करा दो, सब ने पैसे देने हैं, वो रिश्वत जानी है उस बंदे के पास, फिर आपका प्रैक्टिकल होना है। ये मैट्रिक में इंटर में जो साइंस के प्रैक्टिकल होते हैं, ये आपको रिश्वत देने का प्रैक्टिकल करवा रहे होते हैं। मैंने जितना भी एजुकेशन सिस्टम देखा ना जिससे मैं गुजर के गया हूँ, इसमें हर किसी की दौड़ी लगी है, मैंने इतने मार्क्स लेना, मैं इतने लेने इतने। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पढ़ाने वाले के जेहन में ये ना हो कि मैं इसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये ज्यादा मार्क्स ले सके। और फिर वो बंदे की ट्रेनिंग ये थी कि 33% पे मैंने पास होना है, उधर जाकर पता चलता है 50 पे पास होना है। बच्चों को ऑप्शन देनी चाहिए कि आपकी चॉइस है, आप आर्ट्स रखें या साइंस रखें। और सिस्टम जो दो चल रहे थे उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम, अब इसकी भी दौड़ी चलती रहती है, कभी कहते हैं उर्दू मीडियम ठीक है, कभी कहते हैं इंग्लिश मीडियम ठीक है। तो अभी हम मज़ीद अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आप रहने के एतबार से आप पाकिस्तान को कैसा महसूस करते हैं? रहने के एतबार से ज़िंदगी गुजारने के, मैं पर्सनल प्रेफरेंस कहूँ ना तो मैं कभी भी पाकिस्तान को छोड़ के कहीं और रहना पसंद नहीं करूँगा। और इसकी वजह? इसकी वजह ये है कि मुझे कोई मसला नहीं है पाकिस्तान से फिलहाल, वक्ती तौर पे भी इतना खास ऐसा मसला नहीं है कि जो मुझे ही नहीं, जरूरी नहीं ना कि मसाइल की बुनियाद पे ये हम देख रहे हों। ये भी तो देख रहे हैं ना कि जिस तरह से आलमी मियार अब कायम हो चुके हुए हैं और जो सहूलियात दीगर ममालिक में है वो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में तरक्की की शरह उस हिसाब से काम है, यहाँ पे आप जमहूरियत को देख लेते हैं, सियासी हालात वो खराब रहते हैं, ठीक है। तो मैं इन 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 तनाजुर में बातचीत कर रहा हूँ। और इसमें एक ये भी चीज़ है कि आप अगर, मैं नहीं देखता है कि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से अब तक कोई ऐसा एक पाकिस्तान में बिलियनर हो जिसने आर्मी जो है ना वो अमीर लोगों में अपना नाम दर्ज करवाया हो। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है उस चीज़ को भी सपोर्ट इतनी नहीं मिलती है। इस बारे में मैं इन तमाम तनाजुर में पूछ रहा था कि आप इन एतबार से कैसा समझते हैं पाकिस्तान को। दूसरा, आप तालीमी में आर्गो तो वैसे देख ही रहे हैं जी, ये है कि मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि मैं कंफर्ट में रहूँ। अच्छा। किसी दूसरे कंट्री में जाके ना, बड़े जो कंट्रीज हैं उसे ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान में चीज़ें बहुत ही सस्ती है, मैं ये फील करता हूँ। अच्छा। अगर USA में, UK में, कैनेडा में कोई चीज़ें देखें ना, कोई भी चीज़ है मजदूरी के लिहाज से या चीज़ें खरीदने के लिहाज से, कोई काम करवाना हो या कोई चीज़ खरीदनी हो, तो पाकिस्तान में कम कीमत पे मिल जाती है। और इधर इतनी भाग दौड़ नहीं है कि मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़े, बहुत ज़्यादा कमाना पड़े सर्वाइव करने के लिए। तो इसके मुकाबले अगर किसी बड़े कंट्री में चले जाएँ तो वो इतनी बिजी लाइफ हो जाएगी, फिर जिंदगी क्या रह जाएगी, वो इतनी मेहनत। मिसाल के तौर पे आपने अभी ये बात वाजे किया कि आपको ना इस चीज़ से आप ये चीज़ सोचते हैं कि आपको बाहर जाके स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है, मुआशी एतबार से। तो अगर आपको वसाइल मुहैया कर दिए जाए, ठीक है, आपको बाहर जाके इस बारे में कोई ना हो, तंगी ना हो, तो आप किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे अगर आपको वसाइल के एतबार से कोई परेशानी नहीं है तो? नहीं, मेरे ख्याल से वसाइल होना भी जो है ना वो भी एक तंगी है, क्योंकि जितनी मालो दौलत पैसा होता है तो वो मसले मसाइल तो बनते ही रहते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में हो। मैं तकरीबन ऐसे कह लें दरवेश तो इलॉन मस्क को तो सबसे ज्यादा परेशान रहना चाहिए ना। मसले होंगे उसकी जिंदगी में, कोई एक मसला तो नहीं है। जितना ज्यादा पैसा होगा उतने ज्यादा मसले मसाइल होंगे, मैं तो ये समझता हूँ। थोड़ी सी वजाहत कर देना, मतलब अगर आपके पास पैसा है, गाड़ी है, तो आपको कोई छीनने वाला आएगा ना गाड़ी छीनने के लिए? आप सिक्योरिटी भी तो अपनी हायर कर सकते हैं ना। सिक्योरिटी अब देखें, मदद करती है आपकी। अब देखें जो अमीर लोग हैं उनको ही किडनैपिंग का डर है, उनके बच्चे ही किडनैप हो सकते हैं, गरीब के बच्चे तो नहीं होंगे, या उनको ही उनकी दुश्मनियाँ होंगी, उनकी जायदाद के मसले बनेंगे, उन्हें ही फायर लगेंगे। अच्छा जवाब है सर, मुझे ये बताएं जो पाकिस्तान में अभी तालीमी निज़ाम राइज है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल आते हैं आपके उनके बारे में? तालीमी निज़ाम ये है कि मैंने किसी और कंट्री का निज़ाम देखा तो नहीं तालीम का डायरेक्टली, तो जो मैंने देखा है ना, फील किया है, वो हमारे सिलेबस में थोड़ी सी कमी है।
सिलेबस थोड़ा सा पुराना चल रहा है इधर, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं या नई चीज़ें हैं वो साथ साथ अपडेट होता रहना चाहिए। और एजुकेशन के हवाले से मैं अगर बात करूं तो एजुकेशन ज़रूरी है। अब ये कह के सिलेबस पुराना है या निज़ाम ठीक नहीं, बिल्कुल इसका बायकॉट नहीं कर देना चाहिए। जो आदत सना, आप हमें ये बताएं कि आपकी अपनी तालीमी काबिलियत कितनी है, आपने पाकिस्तान में अपनी जो पढ़ाई की है उसको आप कैसा महसूस करते हैं? मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की है, तो मेरी एजुकेशन जो है वो कंप्यूटर साइंस की है। मैंने पहले मैट्रिक के बाद ICS किया था, ICS के बाद ये 4 ईयर डिग्री BS कंप्यूटर साइंस की, और ठीक, मैट्रिक में भी मैंने कंप्यूटर के ही सब्जेक्ट रखा था जो ऑप्शनल होता है, या सही। बायो रख सकते हैं या कंप्यूटर रख सकते हैं या और भी कोई ऑप्शन होगी। तो कंप्यूटर साइंस में मेरी सारी स्टडी है, तो मैंने फील ये किया था मैट्रिक में भी और बाद में भी कि जो कंप्यूटर की बुक में हमें पढ़ाया जा रहा है ना वो थोड़ा सा आउटडेटेड है। तो बाद में यूनिवर्सिटी जा कर भी जो हमने चीज़ें पढ़ी थी ना वो थोड़ी सी पुरानी थी। एक तो जो हमें टीचर्स मिलते हैं उन्होंने अपने दौर के हिसाब से पढ़ा होता है तो वो चीज़ें वो पढ़ाते हैं, अपडेट नहीं हो रही होती अपडेट साथ नहीं होता। साथ। अब बुक्स हमारी थोड़ी सी अपडेट हो चुकी थी, बुक में हमारे एक लैंग्वेज थी सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस अभी भी वही है। हाँ सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी, लेकिन हमें जो पढ़ाने आए थे वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे, पोस्ट डॉक्टरेट उन्होंने की थी PhD से भी ऊपर, अच्छा, तो वो HOD थे कंप्यूटर साइंस के। उन्होंने हमें कहा कि मैंने आपको पढ़ानी है, सब्जेक्ट का नाम है OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उन्होंने कहा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने हैं वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो। तो लैंग्वेज उन्होंने कहा कि हमारे दौर में थी पास्कल, अब अच्छा, पास्कल आजकल नापैद हो चुकी है, जैसे डायनासोर नापैद हो गया ना वैसे पास्कल नापैद हो गया। तो उन्होंने हमें पास्कल में वो पढ़ा दी थी क्योंकि वो उसमें पढ़े उसको, थे, हाँ, तो उसको उन्होंने समझने थे वो उसमें अच्छा। खुद को कंफर्टेबल समझा, तो उन्होंने वो ऐसे ही हमें पढ़ा दी। तो एक तो सिलेबस थोड़ा सा पीछे जा रहा था क्योंकि आजकल तो पाइथन चल रही है, सी शार्प चल रही है, तो लेटेस्ट नई भी टेक्नोलॉजीज काफ़ी आई हैं। तो हमें एक तो बुक में पुरानी टेक्नोलॉजी थी, तो उसके अलावा वो प्रोफेसर हमें ऐसे मिले जो अपने हिसाब से पढ़ाना चाहते थे। अच्छा, तो ये जब मसले मसाइल हैं पाकिस्तान में कि आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता जब जब हम होते हैं स्कूल लाइफ में तो अक्सर असातिज़ा जो है ना वो पूछते हैं बच्चों से बारी बारी कि आप क्या बनोगे बड़े हो के, जब आप इस काबिल हो जाओगे कुछ करने के तो आप क्या जी। करोगे। तो उस अगर आप अगर उस उम्र के हिसाब से देखें तो आप तब क्या बनना चाहते थे या क्या करना चाहते थे? आप जाहिर है आपने कंप्यूटर में ग्रेजुएशन किया तो आपने कुछ सोच के की होगी, वो क्या सोचते? अगर बिल्कुल इनिशियल स्टेज की बात करें ना प्राइमरी तक 5th क्लास तक, तो वो मेरी सोच थी कि मैंने आर्मी में जाना है। उसकी वजह यह है मेरा नाम जवाद था और जवाद नाम का एक सिंगर था जवाद अहमद, तो उसका सॉन्ग था दोस्ती बड़ा फेमस, वो टीवी पे चलता था, रहे ना रहे ये अच्छा, ज़िंदगी संग, हाँ सही। तो आर्मी वाला फौजियों वाला गाना था, वो देख के ना मुझे बड़ा जोश आता था, मेरा दिल करता था कि मैं आर्मी में जाऊँ। तो वो तकरीबन 5th 6th तक की वो चीज़ थी, लेकिन बाद में वो मज़ीद मेरे अंदर वो जज्बा नहीं रहा आर्मी में जाने का, तो बाद में मेरा ना कंप्यूटर से लगाव ज़्यादा हो गया था 8th क्लास में। और ये कैसे था, आपके घर में कंप्यूटर था या शौक की वजह से फितरी नहीं था, ये ये घर किस में तरह कंप्यूटर हुआ? नहीं था, ये मामू के पास कंप्यूटर होता था, मेरे मामू का स्कूल है प्राइवेट गांव में, तो वो उधर मैं जाता था ना छुट्टियों में या जब भी जाते थे मैं अपने ननिहाल पे, तो उधर कंप्यूटर होता था तो वो मैं उधर यूज़ करता था। तो मुझे बड़ा दिल करता था कि मैं हर वक्त इधर ही रहूँ, घर हाँ ना जाऊँ और सही। चलाता रहूँ, उधर जाऊँ जाते ही मैं बस कंप्यूटर चलाऊँ और हर वक्त कंप्यूटर ही चलाता रहूँ और इधर वापस आने का दिल नहीं था करता। तो उधर मैं MS पेंट चला लिया या कोई गेम हुई है वो खेल ली, तो उधर से मुझे शौक पैदा हुआ। या फिर गली में एक दो आए थे लोगों के, एक दोस्त था मेरा गली में उनके घर कंप्यूटर था, तो ऐसे मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ। 8th क्लास में मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, तो उधर मैंने ना जब 8 कंप्लीट हुई ना तो मैंने उधर ऑब्जर्व किया कि इधर ना कंप्यूटर का टीचर नहीं है और कंप्यूटर लैब नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। 8th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ना गवर्नमेंट स्कूल में देने गया, गवर्नमेंट मॉडल में, तो उधर मैंने देखा उधर कंप्यूटर लैब है और कंप्यूटर के टीचर हैं, उधर हाँ कंप्यूटर की एजुकेशन होती है। जो एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए ना 8th के,
तो मैंने घर वालों से कहा कि मैंने ये स्कूल चेंज करना है, क्योंकि इधर कंप्यूटर नहीं है। सही तो जब मैंने सर्टिफिकेट लेने गया स्कूल छोड़ने का, तो प्रिंसिपल मेरे से पूछता है कि क्या वजह है, क्यों छोड़ रहे हो, हम वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे, आप इस स्कूल में रहो ना छोड़ो। तो मैंने कहा कि आपके पास ना कोई टीचर नहीं है कंप्यूटर का, कंप्यूटर कंप्यूटर का, कंप्यूटर का लैब नहीं टीचर नहीं है। है। तो हाँ उन्होंने कहा कि हम आपको कंप्यूटर का टीचर हम रख लेंगे, पढ़ा देंगे। मैं कहा नहीं, आपके पास है नहीं, आप मेरे लिए अकेला क्या रखेंगे, और दूसरी बात आपके पास कंप्यूटर लैब ही नहीं है, आप हाँ इतनी जल्दी मतलब ऐसे कैसे कंप्यूटर लैब बना लेंगे। मैं कहा नहीं, मैं उधर कंप्यूटर लैब है गवर्नमेंट स्कूल, मैंने उधर जाना है। उधर चले गए, उधर फिर ऑप्शंस आई कि आपने कंप्यूटर साइंस रखनी है या बायो रखनी है 9th में। तो मैंने कंप्यूटर साइंस रखी। कंप्यूटर साइंस में ना वो लोग मजाक उड़ाते थे, जो टीचर भी और जो स्टूडेंट थे, वो कहते थे कि नालायक लोग हैं जो बायो नहीं पढ़ सकते, वो वो कंप्यूटर वो अपनी कंप्यूटर आसानी के लिए रख रहे हैं क्योंकि बायो मुश्किल है, तो ये रख रहे हैं कंप्यूटर आसान है इसलिए पढ़ने चले जाते हैं उधर। वो उसकी क्लास जो वो कंप्यूटर लैब में जाके होती थी कंप्यूटर की, और हाँ बाकी सारी क्लासेस उधर ही क्लास रूम में ही होती थी, बायो की भी उधर ही। ओके तो इसके लिए हम कंप्यूटर के लिए जाते थे, और ऐसे ही चेयर्स होती थी रोलिंग जो चेयर। रोटेटिंग चेयर्स, तो वो कंप्यूटर्स के पास बैठ के हम पढ़ते थे, और उस रूम में एसी भी लगा होता था, फीलिंग है बड़ी काफी। अच्छी फील है। हाँ वैसे भी शौक था कंप्यूटर से, अगर वो चीज़ें ना भी होती तो मैंने कंप्यूटर ही रखना था और कंप्यूटर ही पढ़ना था। और मैट्रिक करने के बाद ना मैं फिर अभी रिजल्ट आना था, तो जो हमारे कंप्यूटर के टीचर थे उनकी एक प्राइवेट एकेडमी थी, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैंने कंप्यूटर का एक कोई कोर्स करना है। तो कंप्यूटर की मैंने एक लैंग्वेज पढ़ी थी GW बेसिक, उन्होंने मुझे हाँ कहा कि आप हाँ ना ये कोर्स कर लें। पहले ना बेसिक लैंग्वेज थी हमारे मैट्रिक में, वो उसका नाम सिर्फ बेसिक था, हाँ लैंग्वेज थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर इसको आसान करके हाँ तो JW बेसिक जी बन डब्ल्यू गया। बेसिक जो है उसमें मजीद ऑप्शन थे, जो बेसिक थी ना वो सिर्फ कमांड लाइन पे चलती थी, उसका यूज़र इंटरफेस नहीं था। तो सही, जी डब्ल्यू जिस तरह बेसिक, CMD होती है ये हाँ विंडोज में। CMD, यही कमांड लाइन में ही सारे प्रोग्राम्स होते थे, सारे कैलकुलेशन सारे प्रोग्राम उसमें ही चलते थे। और जो GW बेसिक है उसमें ग्राफिक इंटरफेस भी आया था, बटन्स सही, आइकॉन्स इनपुट्स, वगैरह। हाँ आइकन हाँ हर चीज़ आया थी। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि अगर आप इसको प्रोग्रामिंग को मज़ीद आगे लेके चलना चाहते हैं ना, उन्होंने दो ऑप्शन दी, उन्होंने कहा एक तो सी है और एक GW बेसिक है। मैंने कहा इसमें फ़र्क क्या है, उन्होंने कहा सी जो है ना वो कमांड लाइन की तरह ही होगी, और ठीक। जो GW बेसिक है उसमें इंटरफेस होगा। मैंने कहा मैंने इंटरफेस वाली सीखनी है, क्योंकि मैंने कहा मैंने पहले बेसिक सीखी है उसमें भी वो मज़ा नहीं आता, मैं कहा मैं सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, मुझे जैसे नज़र आते हैं ये सॉफ्टवेयर है एक, तो ये इसका बटन होता है, इसका इनपुट होती है, रिजल्ट आता है, क्लिक करते हैं, तो इस तरह का मैं सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ। उन्होंने फिर बताया कि जो BCS लोग करते हैं ना कंप्यूटर साइंस में, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस 2 ईयर्स का जो होता है इंटर के बाद, उसमें एक बुक लगती है GW बेसिक की, ठीक। वो बुक पढ़ने के लिए मेरे पास BCS के स्टूडेंट आते हैं, तो आप भी वो बुक परचेज कर लो, तो उनके साथ मैं आपको भी वो पढ़ा दूंगा, आप वो भी लैंग्वेज कर लेना। मैं कहा ठीक है, मैं गया बुक शॉप पे, मैं बुक ली। अब मैट्रिक में हमारी इतनी सी बुक होती थी कंप्यूटर की, वो इतनी मोटी बुक थी, और जबरदस्त। मज़े की बात ये कि मैट्रिक मैंने उर्दू में किया था और BCS की सारी बुक्स इंग्लिश में होती हैं, और वो अच्छा, इतनी मोटी बुक इंग्लिश में थी कंप्यूटर की, वो जो थी GW बेसिक, JW बेसिक की। वो मैं लेके आ गया। और मैंने कहा ये मैं कैसे पढ़ूंगा, उन्होंने मैं मुझे पढ़ाना शुरू किया, तो मेरे पहले प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर थे, जो बेसिक लैंग्वेज पढ़ी थी कंप्यूटर में जो है ना, मैं मैट्रिक में भी काफ़ी आगे आ गई था जो बाकी स्टूडेंट्स हैं मतलब उनसे। आपकी ज्यादा दिलचस्पी थी ना हाँ इसमें। बाकी स्टूडेंट से बेहतर था, सर को भी इस चीज़ का पता था, उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, मशवरा दिया कि तुम ये कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, वो मैंने कोर्स किया उधर से। जो मेरे साथ BCS के स्टूडेंट आते थे ना, वो जब लेक्चर हम इकट्ठे ही लेते थे, लेकिन बाद में वो मेरे से सीखते थे कि यार मुझे ये समझ नहीं आई है कैसे करना बता है। दो। हाँ उन्होंने हालांकि एग्ज़ाम देना था फाइनल बोर्ड का, मेरा एग्ज़ाम भी नहीं था होना, मैंने सिर्फ सर्टिफिकेट लेना था उस एकेडमी से। तो मैंने वो GW बेसिक से सीखी, उसके साथ फिर मुझे उन्होंने डेटाबेस की बुक भी, उनकी एक होती है वो सही। भी बुक पढ़वाई, वो दोनों बुक पढ़ के फिर दोनों को मैंने अटैच किया, डेटाबेस में डाटा सेव होगा और जो है वो GW बेसिक उसमें इंटरफेस बनेगा। फाइनल मैंने प्रोजेक्ट बनाया था स्कूल मैनेजमेंट का, स्कूल अच्छा मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना के वो दिखाया था सर को,
और बेसिक बेसिक चीज़ें बनाई थी, फिर मुझे वो सर्टिफिकेट मिल गया था। इंटर में भी मैंने फिर ICS चूज़ किया, बाकी लोगों के पास ऑप्शन FSC की थी। FSC में भी मैथ भी होता है और बायो भी, दो ऑप्शन होती हैं FSC में। ये एक ICS की ऑप्शन, जनरल साइंसेस की ऑप्शन होती है। इसमें कंप्यूटर साइंस भी रख सकते हैं, माशियात भी रख सकते हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन होते हैं। मैंने स्टैटिस्टिक्स का, कंप्यूटर साइंस का और मैथ का कम्बिनेशन रख के ये शुरू किया। और इधर भी मैं नुमाया था कंप्यूटर साइंस में भी, काफ़ी अच्छे नंबर आए थे मेरे, 100 में से 98 आए थे ICS में से। और इधर हमने सी पढ़ी थी, फिर ऐसे ही कंप्यूटर में ही एजुकेशन मुझे वो चीज देख के इस्तेमाल करके मुझे पसंद आ गया, दिल किया कि मैं इसको मजीद एक्सप्लोर करूं, देखूं इसको। वही ना, आपका तजस्सुस जो है ना वो उभरा था इस चीज को देख के। तो अच्छा, हमें ये बताएं कि आपने जो शुरू से लेके अब तक आपने जो किया ग्रेजुएशन वगैरह, इसमें आपको क्या क्या खामियां नजर आई हैं, यानी कि इस तालीमी निज़ाम में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगी हैं कि ये बुरी हैं और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? चीज़ें काफ़ी ऐसी होती हैं कि जैसे कि जो स्टार्ट मैं करूँ ना, जो फर्स्ट स्टेजेस थे, जैसे कि 7th तक कर लें, क्योंकि 8th में बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं। 7th तक प्राइवेट स्कूल कर लें, प्राइवेट में मैं पढ़ाऊँ 8th तक। तो वो ये सिस्टम था कि अक्सर टीचर्स जो उनके पास ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं ना, वो उनको प्रेफरेंस देते हैं। वो टीचर ये करते हैं कि एक तो वो पेपर लीक कर देते थे बच्चों को, जो उनके पास ट्यूशन पढ़ते हैं उनको बता दिया, या कोई रिलेटिव बच्चा है उसको बता देते थे, या ये करते हैं कि बाद में पेपर के अंदर ही वो मार्किंग करके उनके मार्क्स बढ़ा दिए। ये तो तब तक चलता रहा जब बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं थे। जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ गए तब क्या होता रहा, तब जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर होते हैं वो जाते हैं उधर गवर्नमेंट स्कूल में, उन्हें पता चलता है कि इस स्कूल में हमारा आया है, सेंटर आया है। उस सेंटर के जितने गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको जाके दावत दी, खिलाया, खाना पिया, ताकि आपने हमारे बच्चों के साथ तावन करना है। और फिर वो कोशिश करते हैं कि पता चले इसके ऊपर सुपरिटेंडेंट कौन है, उसको मिले पेपरों से पहले। और फिर जो होते हैं प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल्स के टीचर बाकायदा हर पेपर में, ऐसा हर जगह होता है, बाकी तो चले किसी जगह होता है, किसी जगह नहीं होता। जो पेपर्स में है ना वो नकल करने के लिए, वो भी मतलब ये प्लान बना सूबे के साथ बकायदा प्लान बना के सुपरिटेंडेंट और टीचरों को मिलते हैं, उन्हें दावतें देते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारे बच्चों को आपने पास करवाना है, उन्हें थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी है, नकल करने देना है ऐसे। और मैंने खुद देखा नकल होते हुए और करवाते हुए टीचरों को बोर्ड के एग्ज़ाम में। और ये तो रहा कि ना ये चीज़ वो कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम है वो मैंने देखा सब ने क्लास में पैसे इकट्ठे करने हैं। अच्छा, वो पैसे इकट्ठे करके वो टीचर जो प्रैक्टिकल लेने आएगा उस टीचर को वो पैसे मिलते हैं। सही, क्लास टीचर कहेगा लो जी आपके प्रैक्टिकल हैं, इतने पैसे सब जमा करा दो, सब ने पैसे देने हैं, वो रिश्वत जानी है उस बंदे के पास, फिर आपका प्रैक्टिकल होना है, नहीं तो नहीं होना। जिस बंदे चीज़ तो बुरी नहीं है, ये तो ऐसे ही सिस्टम जा रहा है। प्रैक्टिकल जो तैयारी है वो बहुत कम, कोई एक आधा टीचर होगा जो तैयारी करवाते हैं, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकल देखा है ना, बच्चे भी फिर यही करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है पैसे दे दो हमारे। ये साइंस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल आपने पैसा कैसे यूज करना है, ये आपको प्रैक्टिकल करना सिखाते हैं वो, कि आपने पैसा लगाना कैसे रिश्वत देने का प्रैक्टिकल आपको करवाते हैं। ये मैट्रिक में, इंटर में जो साइंस के प्रैक्टिकल होते हैं, ये आपको रिश्वत देने का प्रैक्टिकल करवा रहे होते हैं कि आप ये प्रैक्टिकल करें, कि आप एक रिश्वत दे रहे हैं तो वो आपको पास कर रहे हैं, आपके इतने मार्क्स लग रहे हैं। ये अभी मैं मैट्रिक तक का सिस्टम आपको बताया, अभी थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, फिर यूनिवर्सिटी का मैं आपको बताऊंगा। जी, तो आप बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटीज में जो नकल होती है, जो चीटिंग वगैरह करवाई जाती है, उसके बारे में बता रहे थे। मैं असल में फ़र्क बताने लगा था कि जो हमारी इंटर तक एजुकेशन होती है, जो हमने स्कूल कॉलेज में ली होती है, उसका और यूनिवर्सिटी का क्या फ़र्क आता है। पहले तो एक फ़र्क हमने देखा था कि जब हम 7th तक पढ़ रहे थे
वो जो स्कूल्स होते हैं प्राइवेट स्कूल्स हो गए उनके अंडर ही सिस्टम होता है, उन्होंने खुद ही पेपर बनाना है, खुद ही चेक करना है बच्चे, तो वो पेपर लीक कर देते थे, इजी होता था। बोर्ड सिस्टम ये होता है कि वो पेपर कहीं और मान रहा होता है, चेक कोई और कर रहा होता है, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है 8, 9, 10, 11, 12। जब हम इंटर के बाद यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी में आ जाता है सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम में ये है, यूनिवर्सिटी में जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो प्रोफेसर, उसी ने ही आपका पेपर बनाना है और उसी ने ही चेक करना है। अच्छा, सही। ये एक फ़र्क तो आ जाता है जो कि मुझे बहुत अजीब लगा कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे ये तो टफ होना था और ये इतना आसान कैसे आसान हो कर गया, दिया इस चीटिंग के आसान अमल कैसे हो गया। को। हाँ, और फिर उसमें क्या है कि सिलेबस जो होता है वो थोड़ा होता है, बजाय इसके कि जितना हम बोर्ड के एग्जाम्स में कहते हैं मैट्रिक और इंटर में, मैट्रिक के इंटर में हमने पूरी पूरी बुक्स पढ़नी होती है, पता ही नहीं होता कहाँ से पेपर आ जाएगा। यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट सा सब्जेक्ट टॉपिक होता है और बता देते हैं ये टॉपिक्स हैं जिस ऐसे। तरह कह लें कि एक किताब को डिवाइड कर दिया जाता है, हाँ जैसे चैप्टर वाइज हो जाए उनको हाँ एक बना लिया जाता है। और जो डिग्री होती है 4 इयर्स की, उसको भी 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया होता है, 6 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है, और जो सेमेस्टर के मार्क्स हैं उनको भी आगे डिवाइड किया होता है मिड टर्म और फाइनल टर्म में। ठीक। अब इसमें बोर्ड एग्जाम में क्या होता था, साल बाद आपके जो होने हैं वो ही फाइनल हैं, उससे पहले जितने भी हैं वो टेस्ट हैं उनके मार्क्स काउंट नहीं होने, वो उसमें हाँ, इंक्लूड नहीं एनुअल्स होने। में। हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो मिड टर्म होते हैं जो तकरीबन 2.5 से 3 मंथ के बाद होंगे, मिड टर्म के एग्जाम्स भी आपके काउंट होंगे मार्क्स, फाइनल के भी काउंट होंगे, उसके अलावा आपके सेशनल मार्क्स होते हैं। हर यूनिवर्सिटी की कैलकुलेशन डिफरेंट होती है, लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी में थी वो 50 मार्क्स थे हमारे एनुअल के, एनुअल कह रहा हूँ फाइनल के, फाइनल ना सेमेस्टर के, और 20 मार्क्स थे हमारे थर्टी बल के, 30 मार्क्स थे हमारे मिड टर्म के, ये 80 हो गए। अब 2 मंथ्स के तक हमने जितना पढ़ा है ना, 2, 2.5 मंथ्स या 3 मंथ तक जितना पढ़ा है वो हमारा 30 मार्क्स का पेपर हो जाना है और पिछला सिलेबस क्लोज। अब जो सही। फाइनल में होना है वो बाकी 3 मंथ्स में जो हमने पढ़ा सिर्फ उसमें से पेपर आएगा और वो हमारे 80 मार्क्स कवर हो गए। तो अच्छा, जो हमारे 20 मार्क्स बच गए, 20 मार्क्स होते हैं सेशनल। सेशनल मार्क्स में आपकी एक होती है असाइनमेंट्स, वो आपको सेमेस्टर के दौरान जो असाइनमेंट्स मिली हैं वो पाँच आपने वो, मार्क्स उसके हाँ मिल जाएंगे, 5 मार्क्स आपके कुछ टेस्ट हुए हैं क्लास में, क्विज हुआ है उसके हो गए, 5 मार्क्स आपकी अटेंडेंस के हो गए, 5 मार्क्स आपका टीचर के साथ जो रिलेशन है आपका रिलेशन के, वो किस बिहेवियर तरह कैसा था या क्लास बिहेव, पार्टिसिपेशन आपकी कैसे रही। हाँ, फैट्रिक ट्रिक्स आपकी क्लास देखते में आप हैं। पार्टिसिपेट कितना करते हैं और टीचर के साथ कितना कोऑपरेट करते हैं, वो इस बेस पे 20 मार्क्स इसके हो गए, और ठीक। इस तरह ये 100 मार्क्स डिवाइड हुए होते हैं जो सारे प्योरली टीचर के हाथ में होते हैं जो आपको क्लास में और पढ़ा रहा होता वो है। टीचर अगर हम उसको देख हाँ, लें वो कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसा नहीं करते, कंप्रोमाइज़ अच्छा। नहीं करते, लेकिन मैंने देखा है अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में टीचर ज़्यादातर लड़कियों को फेवर देते हैं और ज़्यादातर जो उनसे हाँ। बना के रखते हैं, मतलब 70-80% मैंने उधर टीचर्स ऐसे देखे थे जो लोग लेक्चर लेने के बाद उनके ऑफिस में जाते थे, उनसे गपशप बना के रखते थे, या जो भी उनके मामला थे, खाना पीना था या जो भी, या फ्रैंक लड़कियां, हो जाते थे हाँ, ना उनके फ्रेंडली जो साथ। रहते थे हाँ। उनके साथ, उनको सेशनल लाजमी मिलते थे, उनकी फेवर में होते थे टीचर, और वो जब सब कुछ उनके हाथ में, अब एग्जाम सब कुछ, फिर सब कुछ चलता होगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सारा तो कुछ। ये सिस्टम उधर था जो वो मुझे इतना अच्छा नहीं था लगा। ये बुरा है आपको, मतलब हाँ ये जो निज़ाम इस तरह से बना हुआ है ये बुरी चीज़ है। एक यहाँ पे ये भी चीज़ है कि मैंने देखा है कि हमारे जो तालीमी निज़ाम है ना, जब जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या जो क्लासेस होती हैं उनके रिजल्ट्स में एक दौड़ लगी हुई है नंबर्स की, ठीक है, ऐसी मार्क्स की एक दौड़ लगी हुई है। लोग ये नहीं देखते कि इसने सीखा क्या है, वो ये देखते हैं कि ये इसके इतने मार्क्स हैं, मार्क्स की बेस पे जज करते हैं किसी की जहानत को, हाँ, ठीक है। मैंने तो जितना भी ये एजुकेशन सिस्टम देखा है ना जिससे मैं गुजर के गया हूँ, इसमें हर किसी की दौड़ ही लगी है, मैंने इतने मार्क्स लेने, मैं इतने लेने, इतने, फिर इधर एडमिशन नहीं होना, इधर अगर इतने मार्क्स नहीं हुए हाँ ये नहीं होना, या ये ना हुआ जॉब नहीं मिलनी है,
तो ये सिर्फ दौड़ी है, इसमें नॉलेज गेन कम करते हैं लोग। ना पढ़ाने वालों का ये मकसद होता है कि हम ये सिखा रहे हैं, पढ़ाने वाले कहते हैं ये करोगे इतने नंबर का आना है पेपर, आप ये ऐसे कर लोगे तो आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल, वो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सको, वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करता कि आप ये चीज़ पढ़ रहे हो, ये सीख रहे हो या ये कल को आपके काम आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस चीज़ पे हैरान वाकई मैं भी होता था कि ये क्या कर रहे हैं, ये पढ़ाते तो है नहीं। मतलब एक ना जब शुरू शुरू में तो मैं इतना पढ़ाई में मीडिया करी था और रहा भी ऐसे ही हूँ, लेकिन जब मैं अपनी मैट्रिक कर रहा था ना तो टीचर इस तरह बताते थे कि आपके इस सवाल के इतने नंबर है, इतना करोगे इतने इतने नंबर आएंगे। मैं ये सोचता था कि नंबरों की क्या ज़रूरत है, नंबरों के पीछे क्यों लगे हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब ये जो नंबर दौड़ है ये जो लगी हुई है, इसको ख़त्म करने का आपके ख्याल में क्या तरीका है, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है ख़त्म होनी चाहिए ना, तो आपके ख्याल में इसका क्या तरीकाकार अपनाया जा सकता है। वैसे ये है कि ये रिक्वायरमेंट है ना नंबर्स की, जैसे कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में लिमिटेड सीट्स हैं तो उसका मेरिट बनाने के लिए ये ज़रूरी तो है। नहीं तो अगर इसकी बजाय ग्रेडिंग सिस्टम ही ले आया जाए पूरी तरह, जैसे जो जिसके 80% मार्क्स होते हैं उसको ए प्लस ग्रेड या ए ग्रेड मिल जाता है, और जिसके 70-80% हों, ठीक है, या परसेंटेज में कर लिया जाए या फिर इसको ग्रेड्स में ले आया जाए। इस बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें भी वही रेस ही है, अब ग्रेड्स में भी हर कोई चाहेगा मेरा ए प्लस आए, रेस तो उधर ही रहनी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पढ़ाने वाले के जहन में ये ना हो कि मैं इसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये ज़्यादा मार्क्स ले सके, उसके जहन में ये हो कि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये चीज़ें उसे समझ आ जाएं। अच्छा जो आदसन जो दुनिया के पसमानदा ममालिक हैं, हम देखते हैं जैसे मशरक बईद हो गया या अफ्रीका के जो पसमानदा ममालिक हैं, वहाँ से तालिब इल्म अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए आते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, या पाकिस्तान जैसे ममालिक में। लेकिन पाकिस्तान से आला तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं यूरोप में और इन तरक्की याफ्ता ममालिक में, तो ऐसा क्यों है, या आप इसकी क्या वजह समझते हैं? क्या ये है कि अपने से बेहतर जो निज़ाम होता है उधर लोग जाते हैं ना। अब जो अफ्रीका वगैरह है वो तो बिल्कुल ही बैकवर्ड है, वो पाकिस्तान को अपने से कदरे बेहतर समझते हैं और ये उनके लिए एक सस्ता रास्ता होता है ना। अगर वो भी वो भी अमेरिका यूरोप जाते हैं, लेकिन जो उधर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान में चले जाते हैं, इधर भी हमारे से तो बेहतर निज़ाम है थोड़ा, तो बचत हो जाएगी। यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल रहा है कि जिन ममालिक में तालीमी निज़ाम बेहतर है ना वो आगे जा रहे हैं, और जिनमें तालीमी निज़ाम ख़राब है वो मुआशी तौर पर भी ख़राब है। ऐसे ही अभी मुझे एक बात याद आ गई, मैंने ना किसी जगह पढ़ रहा था कि इंटरनेशनल जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसमें पासिंग मार्क्स 50+ होते हैं, जब 100 में से 50 अबव मार्क्स लेते हैं तो फिर वो पास होता है। लेकिन आपने नोट किया होगा हमारा जो सिस्टम है ना इंटर तक का, उसमें 33 वाला पास होता है। इसकी वजह पता क्या है जी? इसकी वजह यह है कि मैंने जो पढ़ा था कि जब इधर ब्रिटिश रूल था ना, ब्रिटिश रूल ने ये ऑब्ज़र्व किया कि हम लोग जो ब्रिटिश इंडिया के लोग हैं बड़े सगीर के, इनके दिमाग हमसे कम है, अंग्रेज़ों ने ये फील किया, उन्होंने कहा इनके दिमाग हमसे कम है, इनका आईक्यू लेवल हमसे थोड़ा है, तो ये 50 नंबर में पास नहीं हो सकते, इनके लिए 33 नंबर करने पड़ेंगे, 100 में से 33 फिर ये पास होंगे। उनके लिए थोड़ी नरमी की ऐसा से उन्होंने हमें ऐसा समझा कि ये कम जहन के मालिक हैं, इनका आईक्यू लेवल, तो वो तब से यही सिस्टम चल रहा है। हमने अभी तक वो 100 में से 33 वाला हमारा पास होता है और बाकी अब ये देखें ये कैसा अजीब सा सिस्टम है। एक बंदे को 10 सवाल पूछे गए हैं, 10 में से 7 सवालों के उसे जवाब नहीं आए, 3 के वो दे देता है, ये 4 के दे देता है क्योंकि 33 हैं 33, तो 4 के जवाब वो दे देता है, 6 के नहीं उसे आते तो वो पास है। हालांकि उसे कम से कम हाफ तो उसे पता होना चाहिए पास होने के लिए। बिल्कुल, तो ये सिस्टम मैंने बाद में यूनिवर्सिटी में जाके देखा था, यूनिवर्सिटी में फिर 50% पे बंदा पास होता है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बार बार चेंज होता रहता है, बंदा कन्फ्यूज ही होता रहता है। अब पहले एक नॉर्मल सिस्टम चल रहा होता है,
बोर्ड सिस्टम आ जाता है, बोर्ड सिस्टम से बंदा यूनिवर्सिटी में जाता है, सेमेस्टर सिस्टम आ जाता है, सेमेस्टर सिस्टम में ये है मिड टर्म के लहदे हैं, फाइनल के लहदे हैं, असाइनमेंट्स लेते हैं, क्विज लेते हैं, फिर वो बंदे की ट्रेनिंग हुई होती है कि 33% पे मैंने पास होना है, उधर जाके पता चलता है आपने 50 पे पास होना है। अब अच्छा जो आज मुझे ये बताएं कि आपने आला तालीम अपनी जब छोड़ दी थी, वो आपने क्यों छोड़ी थी, मतलब उसकी मजीद आगे कंटिन्यू क्यों नहीं की, वो कोई ना कोई वजह तो होगी। और अगर अभी आपको आला तालीम हासिल करने का मौके मिले, ठीक है, और आपको ये पेशकश की जाए कि आप बाहर भी किसी मुल्क में जाके, किसी यूरोपियन कंट्री में या तरक्की याफ्ता किसी भी मुल्क में आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, तो आप किस मुल्क में पढ़ना चाहेंगे? ये है कि जब ये सारा मैंने आपको सिस्टम बताया था एजुकेशन का, ये सारा सिस्टम जब मैंने देख लिया था यूनिवर्सिटी में, देख लिया कि सिलेबस कुछ होता है, पढ़ाना उन्होंने अपनी मर्ज़ी का होता है, हमारे सब्जेक्ट जैसे मैंने आगे पढ़ा बताया ना पास्कल, इसी तरह ही एक हमारी टीचर थी फर्स्ट सेमेस्टर में, वो सब लोग C++ पढ़ रहे थे, तो इस मैडम ने हमें C पढ़ाना शुरू कर दी, उसने ऐसे ही अपनी कोई रीज़न दी जैसे वो सर ने दी थी प्रोफेसर ने, तो सी जो है वो पहले ही मैं इंटर में पढ़ चुका था, तो वो एक ही चीज़ जो पहले मैंने पढ़ी वो दोबारा फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहे। अब सेक्शन ज़्यादा थे हमारे, हमारा सेक्शन जो था वो सी पढ़ रहा था और बाकी सेक्शन C++ पढ़ रहे थे, आगे गए जब बाकी C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर रहे थे, हम पास्कल में कर रहे थे, जब ये सारा निज़ाम गड़बड़ हुआ और इतनी खराबियां देखी सिस्टम में, मेरा पढ़ाई से दिल उठ गया था उधर। अच्छा सही। तो वो ये हुआ कि साथ साथ फिर मैंने वो फ्रीलांसिंग शुरू कर दी फाइवर की, तो मैंने सोचा कि पढ़ के भी मैंने ये फ्रीलांसिंग की तरफ ही आना है ना, रोज़गार ही कमाना है, कोई काम ही करना है, तो बजाय इसके कि अब मैं इस पर फोकस करूँ, मैंने अपना पूरा फोकस ज़्यादा जो है ना वो फ्रीलांसिंग पे कर दिया था, स्टडी फिर वो बराए नाम ही मैं कंटिन्यू करता रहा हूँ, बस पासिंग मार्क्स ले के मैंने उसको डिग्री को कम्प्लीट किया, तो आगे फिर इसलिए पढ़ने का दिल नहीं किया क्योंकि ये सिस्टम मैं देख चुका था। कम बहुत ही आना ना। हाँ, इस तालीम और एमफिल के बारे में भी मैं सुन चुका था कि एमफिल में भी क्या होता है कि थीसिस लिखने होते हैं, वो भी लोग पैसे दे के किसी से लिखवा लेते हैं। थीसिस कहते हैं कोई आपने रिसर्च पेपर लिखने होते हैं ना, जब एक तो 16 ईयर एजुकेशन होती है उसमें आपने सिंपल ही पढ़ना है या प्रैक्टिकल करके दिखा देना है, ठीक, ओके। लेकिन जब आप एमएस कर रहे होते हैं ना बीएस के बाद एमएस, वो होता है तकरीबन 1.5 साल का होता है एमएस, 1.5 से 2 साल, तो एमएस में आपने ये करना जिसका पुराना नाम एमफिल भी है, एमए के बाद लोग एमफिल करते थे, आजकल जो नया सिस्टम आया है 4 ईयर बीएस का, इसके बाद लोग एमएस करते हैं, तो एमएस में ये होता है कि एंड पे जो जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही होती है एंड पे आपने थीसिस लिखना होता है, थीसिस में आपने कोई चीज़ एक नज़रिया पेश करना होता है, कोई नई चीज़ अपनी फील्ड के अंदर रह के, जैसे कि मेरा ही फील्ड है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में आपने नज़रिया पेश करना है कि हम ऐसे करें तो ऐसे हो सकता है, कोई मतलब कोई हमने एक वैल्यू कोई नई चीज़, हाँ नई चीज़ उसमें रिसर्च करनी है, तो उसके ऊपर जो सारे रिसर्च को लिखा जाता है ना कि पहले हम एक मफरूज़ा देते हैं कि ऐसा हो सकता है, फिर उस पर हम अपने मुशाहदे एक्सपेरिमेंट्स करके वो लिखते हैं, फिर एंड रिज़ल्ट उसको प्रूव करते हैं, थ्योरी वगैरह वो सारा जब साबित हो जाता, प्रूफ हो जाता है, तो वो हम थीसिस जो सबमिट करवाते हैं, तो वो जब थीसिस अप्रूव हो जाता है उस बेस पे हमें फिर वो एमफिल की डिग्री मिलती है। अच्छा, एमएस की वो डिग्री तो मिलती है, लेकिन अब मैं ज़रा इसमें डीपली जानने लगूँ कि जो थीसिस ये करवाते हैं, लिखवाते हैं, सबमिट करवाते हैं, इसके पीछे मकसद क्या है, मतलब मकसद एक मकसद है। भी तो होना चाहिए ना कि ये सारा करवाने का मकसद ये है कि नई नई रिसर्च हो ना, नई चीज़ें निकलें। जब 16 साल एक बंदे ने एक सब्जेक्ट को पढ़ा तो वो उस सब्जेक्ट के अंदर नए टॉपिक्स ले के आए, नई तहकीक करे, नई चीज़ें ऐड करे, रिसर्च करे, उसमें लेके आए, तो उसमें पाकिस्तान में जो होता है, बाहर का तो नहीं पता, पाकिस्तान में ये होता है कि लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं या इधर उधर जिन्होंने पहले से थीसिस लिखे होते हैं या PhD वगैरह किए, उनसे मशवरा करते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं, उनसे लिखवा लेते हैं, तो इसमें होता ही है कि पहले हमने एक प्रपोज़ल देना होता है, हम एक टॉपिक डिसाइड करते हैं, प्रपोज करते हैं कि हम ये इस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, वो फिर जो होता है मेन इंचार्ज प्रोफेसर वो देखता है, वो अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है कि आप इस पे अपने रिसर्च जारी रख सकते हैं या नहीं,
वो जब प्रूव हो जाता है, उस पर रिसर्च करनी होती है, वो लिखना होता है, डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है एक बुक की फॉर्म में, वो फिर सबमिट कराना होता है उस पर, फिर वो वाइवा भी होता है, सवाल जवाब करते हैं कि आपने ये कैसे किया, तो वो जब प्रूव हो जाता है तो उस पर, तो लोग ज़्यादातर मैंने सुना है कि ऐसे ही करते हैं, वो किसी से लिखवा लेते हैं, खुद मेहनत नहीं करते, किसी से लिखवा लेते हैं, और कुछ तो थीसिस ऐसे होते हैं कि वो बेबुनियाद ही होते हैं, पाकिस्तान में जो चलते हैं उन पे कोई इतनी अच्छी रिसर्च होती नहीं, ना ही कोई नई चीज़ आ रही होती है, ऐसे ही हवाओं में बातें लोगों कर देते को हैं। दिलचस्पी लेना जाहिर है, देखिए जैसे मैंने पूछा कि मकसद क्या है इसका, हाँ, लोगों को वही नहीं इंटरनेट से पता। डाटा ले लिया, कुछ चीज़ें पहले ही रिसर्च हुई है, वही रिसर्च दोबारा कर दी, कह दी हमने नई रिसर्च की है, तो ऐसे ही वो थोड़ा सा रद्द बदल करके जो तो अप्रूव चीज़ें, करने वाले हैं वो हाँ, भी अप्रूव सोए करने हुए वाले हैं भी उनको। ऐसे ही, वो इतनी मोटी बुक कौन पढ़े या इतनी कौन चेक करे, तो इधर ऐसे ही काम चलते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, मैं ये देखता हूँ कि जब बच्चे अपना मैट्रिक क्लियर करते हैं, मैं अपनी भी बात करता हूँ कि मैं भी उन्हीं में शामिल था, तो हमें आगे पता नहीं होता है कि ये FSC, ICS, ICOM, BCOM, MSc, BSc ये क्या बुलाए हैं, हाँ मतलब जी, ऐसे ये ही होता है। कोर्सेज हैं, ठीक है, डिग्रीज हैं, हमें इनके बारे में बताया ही नहीं जाता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हमने क्या करना है। पहले जब छोटी क्लास में होते हैं हम, तो हमें ये पूछा जाता है कि आप बड़े हो के क्या बनोगे, कोई बच्चा कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं पायलट बनूंगा, ठीक है बनूंगा, हाँ जी सही है, जी टीचर कहते हैं आप क्या बनोगे, वो ये नहीं हाँ पूछते आप क्या करोगे, ठीक हाँ है, करने को कारोबार हो सकते हैं ना, बंदा फिर वो एंटरप्रेनर्स जो बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं ना, जब आइडियाज आते हैं, तो कहने का मकसद यह है कि वो ना इस तरीके से कुछ सवाल पूछते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनका ऑटोमेटिकली जहन ये बनता है कि अच्छा ये जो जॉब होती है ना ये पढ़ाई का मकसद यही है, हाँ ठीक है, ऐसे तो जब मैट्रिक क्लियर करते हैं तो उनको ये वादे नहीं होता अब वो आगे क्या करें। जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं मेरा दिल करता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, ठीक है, जी मैं 9th में दाखिला लिया तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा था, मैंने मैट्रिक भी कर लिया और मुझे नहीं था पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बना जाते हैं, इसके लिए पढ़ना क्या है। सही फिर मैंने अपने टीचर से पूछा, टीचर ने बोला कि बेटा ICS करो, ICS के बाद BCS करोगे और आगे अपनी ऐसो वो पढ़ाई जारी रखो, इसमें आप कंप्यूटर पढ़ोगे, प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो आपका सही जो ना वो हो जाएगा, आप फिर आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे। और मैंने यकीन करें कि कंप्यूटर के साथ जो इख्तियारी मजामीन होते हैं वो उनमें एक फिजिक्स थी, इकोनॉमिक्स थी और स्टैटिस्टिक्स थी, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो मेरे लिए नया सब्जेक्ट था तो मैंने वो रख ली, मुझे जाहिर अब नहीं था पता, तो सही यानी कि मैं ना ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि मैं फेल हुई हूँ, फेल ही हाँ हो गया हूँ ना, मैं ये फिर ICS नहीं की है, आखिर सही सेकेंड ईयर में मेरी दो सप्लियाँ आ गई थी, मैं फेल हो गया था दो सब्जेक्ट्स में। तो अभी जो बात थी ना वो ये है कि हमें पता नहीं होता कि हमने क्या करना है मैट्रिक के बाद, और ये जो प्रोग्राम्स हैं मुख्तलिफ, और अभी भी इवन के जो कार्य होते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं ICS कर रहा हूँ, मैं सेकंड पार्ट में हूँ, इसके सेकंड ईयर में हूँ, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता होगा कि आगे मैं क्या करूँगा, या जो मेरे दाएं बाएं लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर वो कौन कौन से हैं इसकी मालूमात। तो क्या आप समझते हैं कि मैट्रिक में हमें ये चीज़ें बताने की ज़रूरत है बच्चों को कि आगे ये प्रोग्राम्स होते हैं, ये इन इन फील्ड्स में जाने के लिए आपको ये प्रोग्राम्स करने पड़ेंगी, ठीक है, हाँ एक ये इनको मालूमात मिल जाए, दूसरा ये मिल जाए कि मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स अपना एक कारोबार करना चाहता है तो उसको फाइनेंस की ये देनी चाहिए मालूमात, हाँ हमें नहीं पता होता स्टॉक मार्केट क्या है, हमें नहीं पता होता, अब तो क्रिप्टो ट्रेडिंग भी आती है, ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, इवन के जो होती है दूसरी रियल एस्टेट वगैरह का हमें नहीं बताया जाता, अब तो ऐसे AI वगैरह आ गई है सारी चीज़ें, तो क्या आप समझते हैं कि ये सब्जेक्ट्स वगैरह भी शामिल होने चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। इसमें ये है कि जब मैट्रिक वगैरह में या इंटर में पढ़ा रहे होते हैं, वो ही बात आ जाती है कि उनका मकसद होता है मार्क्स, मार्क्स लेने, मार्क्स लेने। उनका ये भी होना चाहिए कि वो बाकायदा बच्चों की काउंसलिंग करें, बच्चों से पूछें कि आप मैट्रिक तक, पहले नहीं पूछना चाहिए मेरे ख्याल से, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5 में, 6 में, मेरे ख्याल से 8 तक, मैट्रिक तक, मैट्रिक में पूछना चाहिए मैट्रिक उनको। में पूछ हाँ, लेना चाहिए, 8 तक बच्चों से ये नहीं पूछना चाहिए कि आपने क्या बनना है,
एक तो वो ये होता है कि बच्चे उस वक्त छोटी उम्र में कुछ कह देते हैं तो फिर उस पे ही वो फोकस करके बैठ हाँ जाते फिर वो हैं। कहते हैं कि अब ये मुंह से बात निकल अब गया, मैंने अब यही इसी को बनना करना है, है। क्योंकि हाँ अभी वो फैसला करने के मतलब काबिल ही इतना नहीं हुए काबिल होते नहीं हैं वो। होते, हाँ अभी वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, अभी वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब एक बंदे ने बनना ही डॉक्टर है या पायलट तो उनको पढ़ाए ही वो सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैट्रिक तक आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें, जो हाँ लाजमी से बुनियादी बुनियादी हाँ जो मालूमात जो है लाजमी ना। सब्जेक्ट हैं वो हाँ सारे पढ़ने हैं, उधर जाते तक आप देखें कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, फिर मैट्रिक में पूछा जाए कि आपने किधर जाना है। और साथ में बच्चों को ये बताया भी जाए जो उनकी एक किरदार देख के और उनका रुझान देख के हाँ टीचर्स अंदाजा कर लेते हैं, तो वो उनको बताया जाए इस चीज़ का कि आपका इस चीज़ में मुझे लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट है, तो इस फील्ड के अंदर ये काम हो सकते हैं या ये जॉब्स हो सकती हैं, ये कारोबार हो सकते हैं। और बताया जाए तालिब इल्मों को कि जॉब में और कारोबार में क्या फ़र्क है। हाँ ठीक है, एक बंदा एक जॉब करता है तो वो जो है ना वो फिर अपने लिए कर रहा होता है, लेकिन एक नहीं बंदा अपना कारोबार शुरू करता है भले वो छोटे लेवल से है, तो वो और मजीद लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहा होता है। ये ऐसा चीज़ें भी जो है ना वो हमें नहीं हाँ, बताई जाती। ये मैट्रिक लेवल पे एडमिशन लेने से पहले खुद को भी क्लियर होना चाहिए, पेरेंट्स हाँ को चाहिए कि ट्रेन करें बच्चों को, और आगे जब एडमिशन ले रहे हैं तो वो भी आपको थोड़ा सा गाइड करके फिर आपको चूज़ करवाएं कि आपने बायो रखनी है, कंप्यूटर रखना है, साइंस में मैट्रिक करना है या आर्ट्स में करना है, वो सारी आपको फील्ड उस वक्त बताएं। अब एक बंदा डॉक्टर बनना चाहता हो, उसे पता ही नहीं, अब इतना तो चले पता ही होता है कि साइंस रखनी है, हाँ तो फर्ज करें अगर कोई बंदा जाना चाहता है आर्ट्स वाली फील्ड में, फाइन आर्ट्स में, लेकिन हाँ वो मैट्रिक साइंस में कर रहा है, उसे पता बाद में जाके चलता है कि मैंने उधर जाना फिर था। ड्राइंग हाँ कैलीग्राफी या हाँ पेंटिंग वगैरह तो इसके वो लिए आप उसे वो तो उसकी मैट्रिक में तो उसने टाइम ज़ाया किया है ना अपना, बिल्कुल है बजाय सही है। इसके कि वो आर्ट्स में जाता उधर अपनी ड्राइंग की बुक रखता, फाइन आर्ट्स की बुक रखता और वो आगे कंटिन्यू और करता। बाज़ लोगों को लिंग्विस्टिक्स में होता है इंटरेस्ट हाँ है, ज़बानदानी में। हाँ तो वो उसमें सब्जेक्ट रख सकता हाँ था, ये पंजाबी चीज़ का सब्जेक्ट हो सकता था, बिल्कुल बिल्कुल, उसके अलावा फारसी वगैरह के फारसी होते वगैरह हैं। भी और हाँ बाकी मतलब दूसरी जबानें। और एक बंदा जबान सीखते हैं ना तो वो एक कल्चर भी एक नया सीख रहा होता है, हाँ तो इससे और जेन ये स्कोप भी बढ़ता माइंड है। में बिठाया जाता है कि आर्ट्स जो है वो नालायक बच्चे ही करते हैं, हाँ आपने हाँ सच्ची साइंस बात है, हाँ ये बात आपने वो साइंस ही रखनी है, साइंस ही रखनी है, आर्ट्स में सिर्फ नालायक जाएंगे जिनके हाँ थोड़े थोड़े मार्क्स आए और जो साइंस नहीं वो पढ़ सच्ची सकते। बात हाँ है। ये मैं चीज़ अभी अभी आपके साथ ये डिस्कस अब कर रहा आर्ट्स के था मैं इतने ये। शोबे हैं, आर्ट्स हाँ में जहीन बंदा कोई क्यों नहीं जा सकता आर्ट्स जो में है। नफ्सियातदान, साइकियाट्रिस्ट, हाँ थेरापिस्ट सारी आर्ट्स पढ़ के किया होता है ऐसे ही इन्होंने, है, तो आर्ट्स नफ्सियात में सारी, हाँ फलसफा। आर्ट्स में भी जो लोग जाना चाहते हैं वो क्यों ना लायक हों, वो भी तो लायक लोग हो सकते हैं। और मेरा मेरा नहीं ख्याल है कि हम किसी को मार्क्स की बुनियाद पे या उसके सबक याद करने की हाँ बुनियाद पर उसकी जहानत ऐसे को ही जज कर सकते बच्चों हैं। को ऑप्शन देने चाहिए कि आपकी चॉइस है, आप आर्ट्स रखें या साइंस रखें, उन पे फोकस बर्डन नहीं डालना चाहिए कि नहीं आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, आपने हाँ साइंस में ही मैट्रिक करना है, फिर आपने FSC करनी है। मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन मेरे दो तीन मेरे ऐसे करीबी दोस्त हैं जिनके घर वालों ने सख्ती से उन्हें कहा कि आपने FSC करनी है, FSC करनी है, तो नतीजा क्या हुआ, वो FSC में फेल हो गए। हाँ जाहिर है जब अपनी दिलचस्पी नहीं है तो हाँ वो तो क्यों कर इससे पड़ेंगे। इससे बेहतर यही है कि आप उन्हें कहें कि आप जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसको चूज़ करें और उसको आगे लेके चलें। अब आपने सख्ती से FSC रखवाई, चलें अगर वो फेल ना भी होता, वो अगर थोड़े से मार्क्स भी ले लेता तो थोड़े से मार्क्स लेकर पास होने का क्या फ़ायदा, जब उसने आगे जाके डॉक्टर तो बनना ही नहीं। हाँ बिल्कुल। अभी एक और चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान में जो है ना तालीमी निसाब वो दो किस्म के हैं। हमारे साबिक वज़ीर आज़म ने इस चीज़ को ख़त्म करने की एक कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम ही नज़र आ रही है, यानी कि सारे लोगों के लिए पूरे पाकिस्तानियों के लिए यकसां तालीमी निसाब हो। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो निज़ाम राइज हैं, निसाब जो राइज हैं, वो दो किस्म के हैं। एक अमीरों के लिए है, अमीर बच्चों के लिए, वो आलमी मियार के मुताबिक है, अपडेटेड है। ठीक है, वक्त के साथ साथ उसकी तजदीद होती जाती है और उसमें नए नए कॉन्सेप्ट से वो पढ़ाए जाते हैं। लेकिन दूसरा एक निसाब देख लें सरकारी स्कूलों में जो आमतौर पर पढ़ाया जाता है, जो गरीब बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, वो जो है ना वो आउटडेट। आप इवन के देख लें जिस तरह आगे आप बता रहे थे कि
पास्कल आपको पढ़ा देते हैं सी की बजाय, या सी प्लस प्लस की बजाय सी पढ़ा देते हैं, और पाइथन का तो कहीं नामो निशान भी नहीं ऐसे था। ही। और एक मैंने ना पोस्ट पढ़ी थी ट्विटर के ऊपर, गालबन जो अभी एक्स है उसके ऊपर पढ़ी थी, कि सिंध में किसी जो अंदरूनी सिंध में एक गांव में, नाम तो नहीं खैर उसका मुझे याद है उसका, लेकिन वहां पे वो बता रहे थे कि 9th क्लास में विंडोज जो 98 थी ना, विंडोज 90 98 में जी जो रिलीज हुई थी, उसमें फोल्डर किस तरह बनाने वो सिखा रहे हैं। ऐसे ही है, मैट्रिक में हमें भी उन्होंने सिखाया कि हाँ आपने फोल्डर कैसे बनाना है, तो अब राइट क्लिक देखिए करें, अल्लाह न्यू के बंदे, पे क्लिक करें। हाँ AI का दौर है, वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स बना रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और हम अभी भी फोल्डर बनाने पे अटके हुए हैं। ऐसे 60 70 साल बल्कि इससे भी ज्यादा पुराना हमारा उसकी निशान वजह है, ये है ना वो कि गरीबों के लिए, अमीरों वजह के लिए नहीं। ये हाँ है कि जब शुरू से किसी ने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं, हाँ 9th में जब जिसने स्टार्ट किया तो उसने फोल्डर बनाना से ही फिर स्टार्ट करना तो है। ये तो दोहरा म्यार है ना, देखिए आप जो निसाब पढ़ रहे हैं, आला निसाब पढ़ रहे हैं अमीरों के बच्चे, हाँ उन्होंने जब आला तालीम हासिल करनी है वो इसी वजह से तो फिर वो बाहर स्टार्ट चले से ही जाते पढ़ रहे हैं। हैं, अब जो अच्छे स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल हाँ स्टार्ट से कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, इंटर की वन जो, क्लास में भी उनका हाँ कंप्यूटर है, 2 में 3 में साथ साथ कंप्यूटर वो चल रही साथ है। साथ चल रहा है हाँ बिल्कुल। ऐसे ही है। एक और चीज मैं इस चीज को देखता हूँ कि हमारे जो जो मीडियाकर्स है ना, ये मतवसत तबका जो हमारा मिडिल क्लास, वो ये समझते हैं कि जो बच्चा एक अंग्रेजी सीख ले ना, इंग्लिश सीख ले, तो वो जो है ना वो ही लायक है, ठीक है, यानी कि ऐसे हम जहानत का मेयार इस चीज को भी समझते हैं कि कौन अंग्रेजी सीख सकता है या बोल सकता है और कौन नहीं बोल सकता। अब इसका एक नुकसान जो अभी तक मैं तजिया कर रहा हूँ ना, वो ये हुआ है कि हमारी जुबान में इम्तिजाज आ गया अंग्रेजी का, ठीक है, हमारी उर्दू जुबान खराब हो गई है, ठीक है। जुबान को मैंने ना तब्दील होते खुद देखा है। वो हाँ कैसे देखा है कि जब मैं 9th में था ना तो केमिस्ट्री की बुक, मैं उर्दू मीडियम मैट्रिक किया है, केमिस्ट्री की बुक देखी, उसमें जो हम पढ़ रहे थे तो मैं गांव गया, मामू के पास पढ़ी थी उनके दौर की मैट्रिक की बुक, हाँ तो वो उसका नाम केमिस्ट्री भी नहीं था, उसका नाम था कीमियात, कीमी, और हाँ उसके अंदर जितने भी वर्ड्स थे ना वो सारे प्योर उर्दू के वर्ड्स थे, और सही। जो हमारी केमिस्ट्री थी उर्दू में हम पढ़ रहे होते थे, एक लफ्ज़ आता था वो इंग्लिश में होता था, फिर पढ़ रहे होते थे फिर लफ्ज़ जो दरमियान में आते थे वो इंग्लिश के लफ्ज़, ब्रैकेट में इंग्लिश लिखी होती थी साथ उर्दू उर्दू में, में लिखा हाँ होता मतलब था, लफ्ज़ वो ही होता था लेकिन उर्दू रूफ में लिखा हाँ होता था, लेकिन जो ब्रैकेट में बुक, लिखने क्या हाँ मकसद के ब्रैकेट समझ में आ रहा सिर्फ वो तलफ़ुज़ के लिए या स्पेलिंग लिखे होते थे, तो वो ही बुक जब मैंने पुरानी केमिस्ट्री देखी इसी पाकिस्तान में जो चल रही थी, तो वो बुक में सारे अल्फाज ही उर्दू के थे, उर्दू के थे। तो वो जब ये हम पढ़ रहे थे इंग्लिश वाले तो वो ज़रूरत भी है थी, उस हाँ ज़रूरत इसलिए है थी क्योंकि इस वक्त इसमें दो सिस्टम चल रहे थे, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम। एक इसमें ये भी चीज आ गई है ना कि हमारी ये रिसर्च ही नहीं आगे बढ़ी है हमारी जो उर्दू में, अल्फाज आए थे, हाँ ये मसला नहीं कि अल्फाज नहीं थे है। अब जो पुरानी बुक थी उसमें अल्फाज आए थे सारे, इसमें उसके रिप्लेस करके इंग्लिश के लफ्ज ऐड कर दिए, और सिस्टम जो दो चल रहे थे उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम, अब इसकी भी दौड़ ही चलती रहती है, कभी कहते हैं उर्दू मीडियम ठीक है, कभी कहते हैं इंग्लिश मीडियम ठीक है। अच्छा जो आज सन हम देखते हैं कि जो हमारे हाई स्कूल्स होते हैं वो उधर जो लाइब्रेरियां बनी होती हैं, तो जो मैं अपने स्कूल की बात करता हूँ और अपने कॉलेज की, कि वहाँ पे क्या होता है कि अलमारियों को ताले लगे होते हैं, ठीक है, बच्चों से इसकी सिक्योरिटी फ़ी तो ले ली जाती है कि आप लाइब्रेरी की सिक्योरिटी फ़ी दें, आपके लिए लाइब्रेरी हमने बनाई हुई है, किताबें आप पढ़ सकते हैं किसी भी वक्त जाके, लेकिन अगर अमली तौर पे देखा जाए ना तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। मुझे शौक है बचपन से किताबें पढ़ने का, मुतालिया करने का, मैं जब नया नया हाई स्कूल में गया ना तो मुझे बड़ी खुशी थी मुझे कि मैं अपना लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ूंगा, लेकिन वो हाई स्कूल में तो ये किताबें पढ़ने वाला कोई चक्कर ही नहीं था ना, वो तो बगैर इजाजत के अंदर लाइब्रेरी में घुसने भी नहीं थे देते हैं, किताबें पढ़ना तो दूर। खैर कॉलेज की बात करते हैं, उधर जो लाइब्रेरी है वहां पे ताले लगे हुए हैं, ठीक है, अंदर ऐसे किताबों में अलमारियों पे ताले लगे हुए हैं, ही आप बगैर इजाजत के ले नहीं सकते, ठीक है, वैसे ये एक तरह से चीज अच्छी है कि बगैर इजाजत के आप ना लें, लेकिन आप पढ़ें तो आप लाइब्रेरी रूम में ही पढ़ें बैठ के, ठीक है, लेकिन अगर वहां पे आपको जाके भी नहीं किताब मिलती है, जो वहां का लाइब्रेरियन है वो ही गैर हाजिर है, आपने सिक्योरिटी फी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, किताबें पढ़ी हुई है, वो सिर्फ नुमाइश के लिए,
ठीक है, तो किताबें पढ़ी नहीं जाती हैं और लाइब्रेरियां बनी हुई हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि तबसरा करें इस चीज़ पे? ऐसे ही है, मैंने भी लाइब्रेरीज जो हैं वो फिल्मों में देखी थी, ड्रामों में, और शौक होता था कि लाइब्रेरी में जाएं, बुक्स को पकड़ें, पढ़ें। हमने जो लाइब्रेरीज देखी थी ना फिल्मों में, वो ये ऐसे ही देखा था कि लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक पकड़ते हैं, पढ़ते हैं, रख देते हैं और निकल आते हैं। और पहली दफ़ा लाइब्रेरी मैंने देखी है डिग्री कॉलेज में, क्योंकि स्कूल में लाइब्रेरी नहीं थी, है ना, ही इधर गवर्नमेंट स्कूल में थी ना प्राइवेट स्कूल में थी। तो गवर्नमेंट स्कूल में एक सिस्टम शुरू हुआ था मैट्रिक में, तो वो ये होता था, एक पीरियड लगाते थे लाइब्रेरी का, वो एक टीचर आता था, उसके पास कुछ स्टोरी बुक्स होती थी, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता था, स्टोरीज पढ़ो उस सब्जेक्ट में, मतलब पीरियड में, और वापस कर दो। मतलब वो लाइब्रेरी नहीं थी, है लाइब्रेरी हमने जाके देखी है कॉलेज में, सही, गवर्नमेंट कॉलेज में, और वो भी जैसे आपने कहा सिक्योरिटी फीस हमने भी जमा करवाई थी स्टार्ट में एडमिशन में। तो जब हम लाइब्रेरी गए उधर जाके, मैं पता चला कि उधर हमें क्या मिलेगा, एक न्यूज़पेपर, अखबारी, हाँ, वो टेबल पड़ा हुआ है, साइडों में चेयरें लगी हैं, उधर बैठे न्यूज़पेपर पढ़े, और जो किताबें पढ़ी हैं उनको ताले लगे हैं, ऐसी है। किताबों को ताले लगे हैं, हालांकि हम उधर बैठे हैं, कम अज कम उधर बैठ के तो हम पढ़ सके ना, पढ़ के वापस रख देंगे, कोई हम बाहर तो नहीं ना लेके जा रहे। तो सिर्फ एक ऑप्शन थी कि आप उधर से बुक इशू करवा सकते थे, वो भी कभी उनका मूड हो तो कर देंगे, नहीं आते नहीं, बुक इशू करवा ले, ले जाए वो, फिर बाद में रिटर्न कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शन होनी चाहिए तो उधर पढ़े, उधर बैठ के पढ़ना, एक वो ना एक पुरसकून माहौल उधर बना होता है, ठीक है, जिन्होंने खेलना होता है या बाहर घूमना फिरना होता है वो तो चल जाते हैं, वो एक एक तरह से माहौल ऐसा बनना चाहिए कि वहां पे बच्चे पढ़े, तरगीब दिलानी चाहिए इस चीज की, आप जब मुतालिया करें, जब बुक्स उधर अवेलेबल है हाँ, तो वो किसके लिए रखी हैं, वो बच्चों को एक, मतलब आपको ये खदशा है ना कि गुम ना हो जाए, तो आप वो एंट्रेंस पे एक बंदे को बिठा लें, बिल्कुल, एंट्रेंस और एग्जिट, और जब कोई बुक पढ़ रहा है तो एक निगरान ऊपर बैठे ही होता है, और ये भी है सिक्योरिटी फी भी ले रहे हैं, सब कुछ है, इस चीज की ये फी क्यों ले रहे हो? उसके बाद क्या है, उसके बाद कॉलेज के बाद मैंने देखी पब्लिक लाइब्रेरी गवर्नमेंट की, जो इधर पुराना हॉस्पिटल है ना अलीपुर रोड पे, इधर से मैं गुजर रहा था काफी दफा, मैं इधर से गुजरता था क्योंकि मैं उधर एकेडमी पढ़ने जाता था, तो गुजरते हुए हम देखते थे, अच्छा ये लिखा है पब्लिक लाइब्रेरी, हमें पता चला लाइब्रेरी है। तो एक दिन मैं चला गया, मैंने कहा जी लाइब्रेरी में विजिट करता हूँ, तो जो गार्ड बैठा होता है स्टार्ट पे, उसने कहा जी आप नहीं जा सकते। अच्छा। उसका बड़ा रूड सा बिहेवियर था, उसने कहा जी नहीं, मैंने कहा वजह, वो कहता जी पंजाबी में जिन्हों के कार्ड बने ने बस वो जा सकते हैं। तो मैं कहा जी अंदर मैं जा सकना, कोई इंफॉर्मेशन मैं लवा भी कार्ड किवें बनते हैं। हाँ। मैं अंदर जाके जेड़ा कोई बंदा मेन इंचार्ज उन्हें मिला, उन्हें पूछा मैं भी मैंबर बना, नहीं जी नहीं, वो जाओ तुसी वो बैंक जाओ, उत्थे फीस जमा होंगी है, इंजे उंजे अंदर तुसी नहीं जा सकते। मैं क्या जी मेरा कार्ड नहीं बनया, मैं विजिटर के तौर पर भी नहीं अंदर जा सकता है, मैं एक एक जरा मेन बंदा है, लाइब्रेरी भी पब्लिक है भाई, पब्लिक लाइब्रेरी है, मेन बंदा जरा उन्होंने मैं मिला, मैंने पूछा भी मैं बनाना, मैंने इंफॉर्मेशन लेनी, उन्हें कहा जी नहीं, बाहर से उसने मुझे भेज दिया। और वो चीज़ है, उसके दिन मैंने आज तक वो लाइब्रेरी का मुंह ही नहीं देखा अंदर से जाके। वो एक बार मैं गया था वैसे उस लाइब्रेरी में, तो उन्होंने बोला था कि आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा वो कार्ड बनवाने के लिए। हाँ। और साथ गालबन 500 थी या 700 थी वो। अच्छा, थी भी थी। अंदर जाके आपने इन्फॉर्मेशन? हाँ, मैंने अंदर जाके, तब खुशकिस्मती मेरी के गेट के ऊपर गार्ड नहीं था, रोकने वाला नहीं था, वैसे आप गलती से अंदर चले गए तो अंदर से उसने भी ऐसे ही टरका दिया होगा कि बस जाओ। उस वक्त ना मेरी उम्र थी गालबन 17 साल थी, तो मेरा आईडी कार्ड नहीं था बनाया था। हाँ। फिर मैं वापस आ गया था, तो उसके बाद से दोबारा मैं गया नहीं, मैंने बोला कि अब इसके लिए अब क्या बंदा जाए बाद में। और एक और चीज जो मेन चीज है वो मैंने उनसे पूछा, तब मैं ये कॉलेज में पढ़ता था गालबन कॉलेज में या स्कूल में, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कब कब इतवार को खुली होती है, जाहिर है हमारे पास तो इतवार का दिन ही होता है, कहते नहीं भाई इतवार को बंद होती है। मैंने बोला अब मुझे क्या जरूरत है इसकी मेंबरशिप की, कि अगर छुट्टी के दिन ही इसने बंद होना है तो मैं कब आऊंगा इसको पढ़ने के। ऐसे ही है, काफी चीजें बनी हुई है लेकिन वो प्रॉपर इस्तेमाल में नहीं है लोगों के। हाँ। वो पता नहीं उनके जो अपने रिलेटिव हैं या ताल्लुक वाले हैं उनको वो मेंबरशिप बना देते हैं या कैसे है, तो हमारे जैसे अभी रही मेंबरशिप, जिन्होंने पढ़ना ना उन्होंने कहीं से भी ढूंढ के पढ़ लेने, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेंगे। तो अब वो यूनिवर्सिटी वो लाइब्रेरी बनी है, लेकिन उस दिन जो मेरे साथ वाकया हुआ दोबारा मैंने फिर कहा क्या मैं उधर जाऊँ।
बाकी जिनका यही सिस्टम ही ऐसा है। दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह के हुजूर के। अल्लाह अभी तो हम अंदर गए नहीं, राज फाश ही नहीं हुआ, अंदर जाके पता नहीं क्या होना था। हाँ। अंदर भी हो सकता है यही सिस्टम हो गया, बुक नहीं पकड़ सकते बस बुक्स की जियारत कर सकते हैं, शीशे में लगी है, ताला लगा है, उनको देखे देख के आ जाए, बदले ले या हाथ लगा के चूम ले बुक्स को और आ जाए उधर से, अखबारे पड़े और वापिस आ जाए। खैर बाकी दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हदायत दे, ठीक है, हमारी कौम के ऊपर रहम करे और हमारे हालात बेहतर करे। जी तो नाजरीन, हमने आज बात की इस पॉडकास्ट में, हम मिले जवाद हसन से, वो एक फ्रीलांसर हैं, एक पुरलुत्फ और एक मुतासर कुल शख्सियत के साथ, वो अपने हाबीज पे मुशागल पे काम भी करते हैं और ना सिर्फ उनसे लुत्फानंदोज होते हैं बल्कि उनको मोनिटाइज करने का तरीका भी जानते हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, आला तालीम हासिल की हुई है और उनसे इस बारे में पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम रह गया इस बारे में भी खासी हमने सैर हासिल, बहस की और गुफ्तगु की, तो काफ़ी कुछ जो है ना हमें वो सीखने को मिला। इंशाल्लाह हम आइंदा एक पॉडकास्ट करेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।